दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोनों यूनिवर्सिटी से यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने वाले, तो सबसे पहले जो है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर नोटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा 2019-20-21 के यहाँ पर रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट रोके गए थे उनका यहाँ पर विथहेल्ड रिजल्ट रोके हुए वो जारी हुए हैं। तो मैं यहाँ पर कोर्स का नाम लेता हूँ, आपके स्टूडेंट के नाम नहीं लूँगा। तो BA पार्ट 1 मार्च अप्रैल 2021, BA पार्ट 2 मार्च अप्रैल 2021, ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मिलेगा वहाँ से आप इसको जाकर देख सकते हैं पूरे रिजल्ट। उसके बाद BA पार्ट 3 मार्च अप्रैल 2021, BSc पार्ट 1 मार्च अप्रैल 2021, BSc पार्ट 1 मार्च अप्रैल 2021, BSc पार्ट 2 मार्च अप्रैल 2020, BSc पार्ट 3 मार्च अप्रैल 2021, BCA पार्ट 3 मार्च अप्रैल 2021, MA सोशियोलॉजी फाइनल मार्च अप्रैल 2021, बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर मई जून 2021, उसके बाद LLM पार्ट 1 दिसंबर जनवरी 2021, LLM पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2021, MSc फिजिक्स 3rd सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2021, MSc स्टैटिक्स 3rd सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2021, PG डिप्लोमा इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 1st सेमेस्टर, MBA 4th सेमेस्टर मई जून 2020, और MCOM 4th सेमेस्टर मई जून 2020, BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड पार्ट 3 3rd सेमेस्टर एटीकेटी दिसंबर जनवरी 2019-20, BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड पार्ट 5 2nd सेमेस्टर मई जून 2021, PG डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी 2nd सेमेस्टर मई जून 2020, इतनी BA पार्ट 2 मार्च अप्रैल 2021, BCOM पार्ट 3 मार्च अप्रैल 2021, BPED 4th सेमेस्टर मई जून 2021, PG डिप्लोमा इन योगा एंड फिलॉसफी 2nd सेमेस्टर मई जून 2020, BA पार्ट 1 मार्च अप्रैल 2021, BA पार्ट 2 मार्च अप्रैल 2020, BA पार्ट 3 मार्च अप्रैल 2021, BSc पार्ट 1 मार्च अप्रैल 2021, और BSc पार्ट 1 मार्च अप्रैल 2021, BSc पार्ट 2 मार्च अप्रैल 2020, BSc पार्ट 3 मार्च अप्रैल 2021, और BCA पार्ट 3 मार्च अप्रैल 2021, MA सोशियोलॉजी फाइनल मार्च अप्रैल 2021, बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर मई जून 2021, LLB पार्ट 3 मई जून 2021, LLM पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2021, LLM पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2021, MSc फिजिक्स दिसंबर जनवरी 2021, MSc स्टैटिक्स 3rd सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2021, PG डिप्लोमा इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 2nd सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2021, MBA 4th सेमेस्टर मई जून 2020, MCOM 4th सेमेस्टर मई जून 2020, BEd मई जून 2020 4th सेमेस्टर का है, BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड पार्ट 3 सेकंड सेमेस्टर एटीकेटी दिसंबर जनवरी 2019-20, और BALLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड पार्ट 5 सेकंड सेमेस्टर मई जून 2021, PG डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी सेकंड सेमेस्टर मई जून 2020, BA पार्ट 2 मार्च अप्रैल 2021, BCOM पार्ट 3 मार्च अप्रैल 2021, BPED सेकंड सेमेस्टर मई जून 2021, PG डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी सेकंड सेमेस्टर मई जून 2020। उसके बाद यहाँ पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से नोटिफिकेशन है, PhD कोर्स वर्क का रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर PhD कोर्स वर्क की परीक्षा का आयोजन किया गया था अभी 2021 में, उसका पुनरावलोकन के बाद परीक्षा परिणाम आया था, उसके पुनरावलोकन के बाद यहाँ पर कुलपति महोदय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर PhD कोर्स वर्क यहाँ इतिहास का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो जाइए देखते हैं। तो यहाँ पर PhD हिस्ट्री का यहाँ पर रिजल्ट है। तो
8 लोगों के यहाँ पर नाम है, इसमें से कामिनी निषाद नॉट क्वालिफाइड है, प्रतीक जैन नॉट क्वालिफाइड है और सूरज कुमार नॉट क्वालिफाइड है। बाकी यहाँ पर 5 लोग जो है क्वालिफाइड है। और ये जो है आंसर की है जिसे आप देख सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं, अपने आंसर को मैच करवा सकते हैं। उसके बाद इसी ये जो है क्वेश्चन पेपर है पूरे इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर पूरा 50 क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे ऑप्शन वाले, तो इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जियोलॉजी का रिजल्ट आया है पीएचडी का, तो यहाँ पर स्वप्ना गुप्ता 62 मार्क्स है क्वालिफाइड कर गई है। और ये है उसका आंसर की, जिसमें से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच करवा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी इन ज्योग्राफी का आया है, तो इसमें 19 लोगों के टोटल नाम है, जिसमें से 3 लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में क्योंकि इन्होंने एमफिल किया था, और 16 लोगों के यहाँ पर क्वालिफाइड वाला रिजल्ट आया है। और उसी का यहाँ पर ज्योग्राफी का आंसर की भी है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी, मतलब परसु और दुर्ग यूनिवर्सिटी से यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।